दोस्तों आप इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते कि आपका वीडियो कितना भी लंबा रहा है या कितना भी छोटा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा है कि व्हाट इज द परफेक्ट वीडियो लेंथ, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके वीडियो रैंक करने में, आपकी वीडियो वायरल करने में। दोस्तों यदि आपको पता नहीं कि आपके वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपका वीडियो कितना लंबा होना चाहिए, मेरा मतलब है कि आपका वीडियो कितने मिनट का होना चाहिए, क्या आपने कभी गौर किया कि आपका वीडियो 2 मिनट का होना चाहिए, 3 मिनट का, या फिर 5 मिनट का, या फिर 10 मिनट का, या फिर 10 से 20 मिनट का। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में यही चीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं कि दोस्तों आखिर जो यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं तो आखिर इनकी लेंथ कितनी होना चाहिए। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे बिना किसी देरी के। दोस्तों आपको अपना वीडियो HD क्वालिटी में शूट करना है, एंड दोस्तों HD क्वालिटी में शूट करने के बाद जो आप एक्सपोर्ट करते हैं एडिटिंग करने के बाद, तो वो भी दोस्तों HD क्वालिटी में ही होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आपकी वीडियो की लेंथ कैसी होनी चाहिए। ओके तो फ्रेंड्स यदि अब मैं यही बात कहूँ बार बार कि आपकी वीडियो की लेंथ 5 मिनट होनी चाहिए, 5 मिनट होनी चाहिए, या फिर आपकी वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए तो 5 मिनट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए तो 5 मिनट होनी चाहिए, यही बात दोहरा दोहरा करके इस वीडियो को 10 मिनट का बना दूं या फिर 20 मिनट का बना दूं। मान चलिए कोई बात आपको 2 बार रिपीट करने, तो आपने उसे 4 बार या 6 बार रिपीट करके वीडियो को लंबा कर दिया, वीडियो की लेंथ ज़्यादा कर दी। तो फ्रेंड्स ऐसा करने से आपका आपके वीडियो की जो सुंदरता है, जो आपकी वीडियो क्वालिटी है, वो घट जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसी गलती अपने वीडियोज पर ना करें। तो दोस्तों अब मैं फाइनली आपको बता देता हूँ कि दोस्तों यदि आप यूट्यूब पर नए हैं तो आपको स्टार्टिंग में अपने वीडियो लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ये बात जानना चाहिए कि यदि आप इतने सक्षम हैं अपने व्यूवर्स को केवल 1 मिनट का वीडियो बना करके अपनी बात समझा सकते हैं, तो आपको अपना केवल 1 मिनट का ही वीडियो बनाना चाहिए। यदि आपको 2 मिनट का वक्त लगता है तो आप 2 मिनट का ही वीडियो बनाएं। यदि आपको 3 मिनट या 4 मिनट का वक्त लगता है अपने व्यूवर्स को अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, तो दोस्तों आप लोग 5 मिनट का वीडियो बना सकते हैं, 10 मिनट का, मतलब कि जितना वक्त आपको लगता है अपने बात को एक्सप्लेन करने के लिए अपने व्यूवर्स को, अपने सामने वाले को। जो आपका वीडियो है वीडियो के अंदर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, एंड दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।